अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन नान खटाई। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। नान खटाई बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है आधा कप दूध और इसके अलावा एक कप मैदा, आधा कप देसी घी, 2 टेबलस्पून बेसन, ड्राई फ्रूट, आधा कप पिसी हुई चीनी, एक अंडे की जर्दी और एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। नान खटाई बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में देसी घी शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। हमने इसमें देसी घी शामिल किया है, आप इसमें वनस्पति घी या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें, इस तरह से आपको मिक्स करना है। हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, घी और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, बेसन और इसके अलावा बेकिंग पाउडर। तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से छान लिया था, आप भी इसको छान कर यूज कीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमारी डो तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट डो बनी है। नान खटाई बनाने के लिए मैंने हार्ट शेप कटर यूज किया है, आप कोई और भी कटर यूज कर सकते हैं। मेरे शोहर को नान खटाई बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं उनकी पसंदीदा नान खटाई बना रही हूँ। ये देखें, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखें, हमारी नान खटाई की शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपको लगाना है। तो काइंडली जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये देखें, अंडे की जर्दी लग चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से रखना है। ये देखें, देगची को हमने 10 मिनट पहले हल्की आंच पर रख दिया था, ये प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें नान खटाई शामिल करेंगे। ये देखिए, आपको इतने गैप से नान खटाई इसमें रखनी है क्योंकि ये तैयार होने के बाद ये फूल जाती है। हम इसको ढककर 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। ये देखें, माशाल्लाह हमारी नान खटाई तैयार हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।